ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। साधना क्षेत्र में हम प्रत्यक्ष रूप में उतरने से पहले ये हम जान लेना चाहिए कि साधना क्या है। साधना शब्द संस्कृत के साधु साधु से बना है, जिसका अर्थ प्रयत्न करना होता है। इस परिभाषा से साधक एक प्रयासरत व्यक्ति है और सफलता सफलता से विचलित हुए बिना कोशिश करता रहता है। साधना का असली तात्पर्य तो यह है कि जिस मार्ग पर चलने से जीवन का भौतिक एवं आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण हो, उसे साधना कहते हैं। भक्ति और साधना एक ही कार्य के दो रूप हैं। जहाँ भक्ति पूर्ण समर्पण भाव है, वहीं साधना लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग है। जब व्यक्ति ज्ञान मार्ग साधना मार्ग पर आगे बढ़ता है तो प्रारंभ है उसे असफलता प्राप्त होता ही है। चित्त पर जो वृत्तियाँ का दोष आया हुआ है, उसे शुद्ध होने के लिए बार बार जाप और साधना आवश्यक है। साधना के क्षेत्र बहुत व्यापक विस्तार लिए हुए हैं। साधयति इति साधना, मैंने पहले वीडियो में भी कहा था, साधयति इति साधना अर्थात खुद को साध लेना, खुद को पूर्ण करने लेना ही साधना है। साधना का मार्ग प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुला है, लेकिन बहुत कम लोग इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे होते हैं। ज़्यादातर लोगों को तो ये ज्ञान भी नहीं होता है कि वे अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं और उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। वे तो बस केवल पशु की भांति जीवन चक्र में चलते रहते हैं। लेकिन जो साधक है वो इस चक्र से मुक्त है। इसके अलावा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति एवं शक्ति को भी प्राप्त करना चाहते हैं। वे ही साधनाओं के मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं। हाँ, और एक बात है, साधना क्षेत्र में हम प्रत्यक्ष रूप से जब उतर ही रहे हैं या संकल्प ले लिया, दृढ़ संकल्प ले लिया कि साधना करना ही है, इस क्षेत्र में उतरना ही है, तो इसके सफलता के कुछ सूत्र भी हमको जानने चाहिए। प्रत्येक साधक के मन में एक तीव्र इच्छा होता है कि उसमें जिस साधना का अनुष्ठान किया है वह सिद्ध हो जाए, पर कुछ साधकों को साधना में सफलता नहीं मिलता है। क्या साधक को प्रयास में कुछ कमी रह गई या फिर भावनाओं का अभाव हो गया? अब साधनाएं तो स्वयं में संपूर्ण है, उसको तो आप पूर्ण नहीं कर सकते ना। वो तो साधना तो स्वयं में पूर्ण है, पर अगर साधक को उस सिद्ध करने में दिक्कत अनुभव हो रही हो तो कारण जरूर होगा। अगर जहाँ कारण है उसका निवारण भी होगा। थोड़ा बस मतलब संक्षेप में नज़र डालते हैं, मतलब साधना का सफल होने का सूत्र में कुछ संक्षिप्त नज़र देते हैं। एक तो उसमें है गुरु से अटूट निष्ठा, और है साधना से पूर्व दीक्षा ग्रहण करें या दीक्षा हम उसको उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे या बीच में बात करेंगे। और है साधना का शुभ मुहूर्त में और विशेष साधना दिवस पर ही करें, देवी शक्ति से संपर्क साधें, साधना में निर्दिष्ट विधि विधान का पालन अनिवार्य है, साधना सामग्री का अनिवार्यता। मतलब ये सबसे मतलब निश्चित कर लें कि साधना सामग्री का जो सामग्री है, यंत्र हुआ, माला हुआ और अन्य साधना सामग्री जैसे गुटिका इत्यादि, ये साधना सामग्री मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए तथा साधना में आवश्यक साधना सामग्री अर्थात निश्चित यंत्र और माला का ही प्रयोग होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य सामग्रियों जैसे पुष्प, माला, नैवेद्य, अक्षत, कुमकुम इत्यादि का प्रयोग साधना विधान अनुसार ही करें। और एक साधना में निरंतर ध्यान और धारणा की आवश्यकता, मतलब स्वयं साधे, एक साधे तो सब साधे। साधना में असफलता के कारण है कई बार धैर्य आपका साथ छोड़ देता है और मन विचलित होने लगता है। साधना में जब आप साधते हैं तब आप जीवन जीने का कला सीखते हैं, क्योंकि साधना में सिद्ध प्राप्त करने के लिए अत्यावश्यक तत्व समर्पण है। याद रखिए,
साधना आपका कर्तव्य है और कर्तव्य करते रहने से फल अवश्य प्राप्त होता है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। शुभ आशीर्वाद।